हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। सुरेश जल्दी चल, नहीं तो सुपरवाइजर फिर से कोई काम थमा देगा। हाँ यार, बस सरोही आ जाए तो निकलते हैं। वैसे भी आज पैदल ही जाना होगा, कंपनी का जीप खराब हो गया है, 4 बजे हैं, कोई सवारी भी नहीं मिलेगा। चल यार, अभी काम खत्म हुआ है। ददन, सुरेश और सरोही तीनों बचपन के दोस्त थे। अपने गांव चिरैया से 7 किलोमीटर दूर नदी के उस पार एक आयरन स्टील इंडस्ट्री में काम करते थे। वैसे तो इनकी शिफ्ट 6 घंटे तक थी, लेकिन चूंकि इनके गांव में एक महायज्ञ हो रहा था सो 2 घंटे पहले ही ये लोग गांव के लिए निकल गए थे। अरे हरिया चाय का दुकान खोल दिया है, चल पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ी गर्मी और फुर्ती आ जाएगी तब चलेंगे। अरे 2 घंटे पहले ही निकल गए? अच्छा, तुम लोगों के गांव में तो यज्ञ शुरू हो रहा है, पर जाओगे कैसे? सुना है रात 12 बजे कोई बस नदी में पलट गई है, सभी लोग नदी में समा गए, सुबह होने पर प्रशासन फिर से रेस्क्यू करेगा। हाँ भैया, बहुत दुखद घटना है। तीनों चाय पीकर गांव की ओर चल देते हैं। आधा घंटा के बाद वे लोग उसी पुल पर पहुंचते हैं जहां से बस नदी में गिरी थी। ददन पुल पर नीचे से झांक कर देखता है, तभी उसे एक हाथ नदी के किनारे दिखता है जो इशारे से उसे बुला रही थी। अरे सरयू, वो देख, नीचे नदी किनारे कोई हमें बुला रहा है। अरे हाँ यार, लग रहा है कोई लड़की बच गई है, चलो हमें मदद करनी चाहिए। ठीक है, तुम लोग नीचे जाओ, मैं देखता हूँ अगर कोई गाड़ी आई तो उसे रुकवाता हूँ। ददन और सरयू दोनों पुल के नीचे मदद के लिए उतरते हैं। सुरेश पुल के ऊपर से सहायता मांगने वाला उस हाथ को देखने लगता है। पानी में निकला हुआ वो हाथ जब किनारे की ओर आता है, आगे का सीन देखकर सुरेश का रूह कांप जाता है। पानी से निकलने के बाद पता चलता है कि वो केवल आधा कटा हुआ हाथ ही है, उसका धड़ नहीं है। हाथ छटपटाते हुए नदी किनारे बालू पर बढ़ने लगता है, जैसे कोई मछली बिना पानी के छटपटा रही हो। छटपटाते छटपटाते हाथ पुल के नीचे चला जाता है। सुरेश को अब हाथ नहीं दिख रहा था, वो बदहवास ददन और सरयू को देख रहा था जो पुल से नीचे उतरकर नदी की ओर बढ़ रहे थे। सुरेश के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, तभी एक हाथ उसके कंधे पर पड़ता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, वहां कोई नहीं था, केवल एक कटी हुई हाथ उसके कंधे को जकड़े था जिसकी दूसरी छोर कटी हुई बांह से खून रिस रहा था। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाथ लगातार सुरेश के गर्दन को जकड़ते जा रहा था। सुरेश मदद के लिए ददन और सरयू को आवाज लगाता है। ददन, सरयू, बचाओ, बचाओ! नीचे से ददन और सरयू देखते हैं कि ऊपर से सुरेश चिल्लाते हुए कुछ बोल रहा है। अब सुरेश को क्या हो गया जो ऊपर से चिल्ला रहा है? अरे वो हाथ कहीं दिख नहीं रहा, शायद वही बताना चाह रहा हो कि वो हाथ नदी में बह गया है। रुको, आ रहा हूँ। चल भाई ऊपर चलते हैं, लगता है वो लड़की बेचारी डूब गई या नदी की धार में बह गई। पुल के ऊपर सुरेश उस हाथ से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो हाथ उसे नहीं छोड़ती और सुरेश को पुल से नीचे धकेल देती है। ददन, सरयू, बचाओ! ददन, तुमने सुरेश की आवाज सुनी क्या? हाँ, लगता है सुरेश कोई मुसीबत में है। अरे सुरेश, कहाँ चला गया? सुरेश, सुरेश! अभी तो उसकी आवाज यहीं से आई थी। सुरेश, ओ नो, वो देखो, नदी में लगता है सुरेश ही बहा जा रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता मेरे दोस्त, तुम्हारे घर में मैं क्या जवाब दूंगा? सुरेश, लेकिन वो गिरा कैसे? शायद वो झुककर हमें देखने की कोशिश कर रहा होगा। दोनों वहां से रोते हुए गांव की ओर चल देते हैं। दोनों आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, मानो उनके पैर जाम हो गए हो, एकदम चुपचाप, बस सुरेश की यादें लिए दोनों चले जा रहे थे। इतने में लगा कि झाड़ी के पीछे उनके साथ कोई चल रहा है। सरयू एकदम रुककर झाड़ी में कुछ देखने की कोशिश करता है। क्या हुआ सरयू, तुम्हें भी झाड़ी के पीछे किसी के चलने का एहसास हुआ क्या? हाँ, अभी अभी मुझे कुछ आवाज हुआ। क-
की झाड़ी के पीछे कोई है। देखो जैसे ही हम रुके उधर भी खरखराहट बंद हो गई। सही कह रहे हो भाई, हो ना हो कुछ तो है जो हमारा पीछा कर रहा है। मुझे तो अब डर लग रहा है भाई, पहले वो नदी में हाथ दिखना, फिर नीचे जाने पर हाथ ना होना, और फिर सुरेश की पुल से दर्दनाक गिरकर मौत, और अब ये, कुछ ना कुछ तो जरूर है। ऐसा मत बोल यार, मुझे डर लग रहा है। चल तेजी से, 3 किलोमीटर दूर है अपना गांव, एक बार अपने गांव चिरैया पहुंच जाए बस। दोनों तेजी से अपने गांव की ओर चलने लगते हैं। तभी सड़क पर पड़ी एक साइकिल की ट्यूब से सरयू का पैर उलझ जाता है। सरयू डर के मारे चीख उठता है। पकड़ लिया मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया। ददन बचाओ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अबे भूत मेरा पैर पकड़े हुए हैं और तू भागा जा रहा है। भाई जान हमें भी प्यारी है, बजरंगबली का नाम लेकर पैर छुड़ाकर भाग ले। अबे रुक जा, लगता है ट्यूब उलझ गया है पैर में, रुक तो मैं भी आता हूँ। ददन डर के मारे सरयू की बात नहीं सुन पाता और दौड़ते हुए भाग जाता है। अब दोनों दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। ददन आसपास होने वाली गतिविधियों से चौकन्ना बेतहाशा दौड़े जा रहा था। हर एक खरखराहट के साथ उसके दिल थम जाते और धड़कन तेज हो जाती, साथ ही और तेजी से भागा जा रहा था। तभी उसे पीछे से एक बस आती हुई दिखाई देती है। वो बस को हाथ रोकने के लिए इशारा करता है लेकिन बस नहीं रुकती। हताश वो थक कर दोनों घुटनों पर हाथ रखकर झुक जाता है। तभी कुछ दूर जाकर अचानक बस रुक जाती है। ड्राइवर वाली विंडो से एक हाथ निकलकर उसे आने का इशारा करती है। ददन दौड़कर हांफते हुए बस पर चढ़ जाता है और एक सीट पर जाकर बैठ जाता है। बस तेजी से चल देती है। तभी उसे आभास होता है कि वो तो बस में अकेला है, यहां तक कि ड्राइवर भी नहीं है। बस एक कटा हुआ हाथ बस के स्टीयरिंग पर है। अचानक वो हाथ ददन की तरफ बढ़ता है। बचाओ बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। कटा हुआ हाथ आकर ददन के गर्दन को जकड़ लेता है। ददन दोनों हाथों से उसकी कलाइयों को जकड़कर अपनी गर्दन से हटाने की कोशिश करता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, घर पर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन कटा हुआ हाथ की पकड़ ददन के गर्दन पर लगातार बढ़ती ही जा रही थी और ददन के हाथ कटे हुए हाथ की कलाइयों पर से ढीला होता जा रहा था। अब ददन की आंखें बाहर की ओर निकल चुकी थी। उसके गर्दन की नसें उभर कर साफ दिख रही थी। उसका चेहरा नीला पड़ता जा रहा था। अचानक उसके मुंह से खून की उल्टी हुई और वह वहीं पर दम तोड़ दिया। इधर सरयू दौड़ते हुए ददन को ढूंढते हुए आ रहा था लेकिन ददन तो दूर दूर तक कहीं नहीं था। पता नहीं ये लड़का कहाँ चला गया, कम से कम दुख में तो साथ खड़ा रहना चाहिए था, डरपोक कहीं का। तभी सरयू को वही बस दिखाई देता है। जब वो पास पहुंचता है तो बस स्टार्ट होकर आगे बढ़ जाती है। रुको रुको, अब दम निकल जाएगा। तभी ठीक उसी तरह बस कुछ देर तक आगे जाकर रुक जाती है और ड्राइवर की खिड़की से एक हाथ आगे आने का इशारा करता है। सरयू दौड़कर बस पर चढ़ जाता है। बस तुरंत अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। अरे ड्राइवर भैया थोड़ा धीरे चलाओ, यहाँ 5 मिनट की दूरी पर हमारे गांव चिरैया में रोक देना है? अरे गाड़ी मोड़कर पीछे क्यों ले जा रहे हो? तभी सरयू का ध्यान बस में जाता है। पूरी बस खाली थी, बस में कोई नहीं था। जब ड्राइवर की ओर देखा तो सरयू के होश उड़ गए। बस बिना ड्राइवर के ही रफ्तार से भागे जा रही थी। एक कटी हुई हाथ स्टीयरिंग को हैंडल कर रही थी। अचानक वह हाथ पीछे की ओर मुड़ा और सरयू की तरफ आने लगा। सरयू दौड़कर पीछे की ओर भागा। भागते हुए उसके पैर किसी चीज से टकरा गए। वो नीचे देखा तो सन्न रह गया। ददन की लाश से उसका पैर टकराया था। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता वह हाथ उसके गर्दन को जकड़ चुका था और ठीक ददन की तरह हाथ की जकड़न तब तक बढ़ता गया जब तक सरयू के प्राण नहीं छोड़े।
बस उसी पुल पर जाकर नदी में गिर जाता है। दूसरे दिन और बस वाले पैसेंजर्स के साथ इन तीनों की लाशें भी नदी से निकाली जाती है। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।